चलने वाले थे, चलने लोग थे, सारा कुछ दे चार डेढ़ डब्बे में एक छोटे दस के डब्बा भी बीच में और आलू ही डालने क्या हाल है? दो प्लेटा दो चलो एक दे दो यार पानी में जब आपने स्टार्ट किया था क्या रेट था इसका? ये हमारे बुजुर्ग ने स्टार्ट किया था, वो बता रहे थे कि चार आने आठ आने में। अच्छा, और आजकल क्या रेट है इसका? 100 रुपये की। 100 रुपये की। लो भी है। ये किस चीज़ की चटनी है? इमली। अभी तो ख़त्म हुआ पड़ा। कितने बजे शुरू करते हैं? बस सुबह। और इस टाइम पे ख़त्म हो जाता है? अंदाजा है कितने किलो लेकर जाओ? 1964 से यहाँ पे। अच्छा, 1964 से बना रहे हैं, अभी काम में कोई फ़र्क है या उसी तरह चल रहा है जैसे शुरू में? आपके पास हमेशा माशाल्लाह बहुत रश होता है, टेस्ट भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है।
इसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं? क्यों होते हैं, चने होते हैं, लोबिया होता है, सैलड होती है, इडली का खट्टा पानी होता है, चसारेदार दही होते हैं और मसाले वगैरह होते हैं। ठीक है जी। तो कितने बजे सुबह आते हैं आप लोग? सुबह तकरीबन 10:30 बजे हम आ जाते हैं। ठीक है। रात तकरीबन 9 बजे तक होते हैं। अभी तकरीबन कोई टाइम हो गया है 7:30 बजे, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी चीज़ें तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं। जी बस ऐसा होता है कि अगर जल्दी ख़त्म हो जाए बंद करते और नहीं बना। अच्छा जी। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि आप बहुत मशहूर हैं, वो साथ भी बैठे हैं लेकिन उनके पास गाहक नहीं है, आपके पास बहुत रश है? सारी पहले तो सबसे अल्लाह का करम है, सारी बात नहीं, बाकी ये होता है कि गाहक को कुछ देना भी पड़ता है, सारा कुछ खुद नहीं खाना पड़ता, उससे मिलाती होती है कि गाहक को चीज़ अच्छी बना के देनी पड़ती है, हर चीज़ की अच्छी क्वालिटी से हम बनाते हैं और बस ये अलग। इसमें क्या ये मिक्स करके आपने बना के रखा हुआ है? ये शुरू से हम ऐसे ही करते हैं बस। और ये जो अलग पड़ा है ये किस लिए? ये इसीलिए होता है ताकि ख़त्म होता है फिर और बना बना के। अच्छा, साथ बना के रखते हैं जी। और कोई ऐसा भी होता है कि ये आ जाते बगैर मिर्चों के, बगैर सैलड के, बगैर नमक के, फिर वो अलग से बनाना पड़ता है, इसमें तो नहीं निकल सकता। बोलो ना साहब से।